हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है। और वो सरप्राइज़ क्या है, इसके लिए आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सरप्राइज़ है ये। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो सरप्राइज़ है वो है ये। हमें हमारा यूट्यूब का प्ले बटन मिल चुका है, और आज से, जी हाँ दोस्तों, आज से इस चैनल पर भी मैं लाइव होने की कोशिश करूँगा। इस चैनल पर भी मैं कोशिश करूँगा कि फेस कैम वीडियोस बनाते रहूं, और फेस कैम वीडियोस के साथ में आप लोगों के साथ में आते रहूं। और कुछ बातें हैं जो मुझे आपको बतानी हैं या जो आपके साथ में शेयर करनी है, तो वो मैं अभी बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमारे जो 1 लाख सब्सक्राइबर थे वो हमने कुछ महीनों पहले ही पूरे कर लिए थे, और अभी हमारे पास में करीब 2,15,000 सब्सक्राइबर हैं, जो कि धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्दी हम ये जो सब्सक्राइबर काउंट है इसको मिलियंस में लेकर के चले जाएंगे। तो चलिए, ये तो है, और जब तक आपका साथ रहेगा मुझे यकीन है कि हम मिलियंस और उसके आगे और ज़्यादा कई मिलियंस पर पहुंच जाएंगे। बिलियंस पर नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि भारत में पूरे 1.25 बिलियन लोग हैं और सारे इंटरनेट यूज नहीं करते, लेकिन हम सैकड़ों मिलियन तक पहुँचेंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आपका साथ है मेरे साथ। तो चलिए, ये तो हो गई बात। मुझे एक ख़ास बात जो आप लोगों के साथ में और भी शेयर करनी है कि हमें हमारा सिल्वर प्ले बटन तो मिल चुका है, पर सिल्वर प्ले बटन के साथ साथ हमें आज 1 साल पूरा भी हो गया है। जी हाँ, टेक्निकली मैंने 3 दिसंबर 2016 को शुरू किया था ये चैनल, लेकिन जो पहला वीडियो मैंने बना करके कंप्लीट किया था वो 1 दिसंबर 2016 को मैंने पहला वीडियो बना करके कंप्लीट कर लिया था। और मैंने फाइनल कर लिया था कि सक्सेस एंड हैप्पीनेस नाम से मैं चैनल शुरू करूँगा। मैंने सारी चीज़ें प्लान कर ली थी, 1 दिसंबर को मेरी वो पूरी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी थी। ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं वो 1 दिसंबर की बजाय 3 दिसंबर को शुरू कर पाया था, लेकिन मेरा प्लानिंग जो थी और जो भी चीज़ें थी, तो मैं इसके लिए यही कहूँगा कि 1 दिसंबर से ही मैंने शुरुआत की थी पिछले साल के। और आज 1 दिसंबर हो चुका है, हम 2.25 लाख लोगों के करीब पहुँच चुके हैं, और हम तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। आपका साथ है, हम और बढ़ेंगे। तो ये तो एक बात है जो मुझे आपको बतानी थी। सिल्वर प्ले बटन हो चुका है, साल भर हमारा हो चुका है, अब आगे क्या? दोस्तों, मैंने ये नोटिस किया है कि कई बार जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो एक बड़ा टॉपिक या कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं पिक करता हूँ, लेकिन उसके साथ पूरा जस्टिस नहीं कर पाता। वो इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि 5 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट की वीडियो में उतने बड़े टॉपिक को कवर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर हम कोशिश करते भी हैं कि हाँ भाई, मैं उसको 10 मिनट में कंपाइल करके और कंसाइज करके आपको बताने की कोशिश करूँ, तो वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो जानकारी मैं आपके साथ देना चाहता हूँ तो वो दे नहीं पाता। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को हर एक वीडियो पर 1 मिलियन व्यू या 1 लाख व्यू मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। मेरा मैटर ये है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके काम में आ रहा है या नहीं आ रहा। 5,000 लोगों ने देखा, दैट्स इनफ, लेकिन वो 5,000 लोगों से कम 10% लोग उस चीज़ को इस्तेमाल कर पाएँ, तभी मेरे करने का या मेरे ये सब चीज़ों के लिए कुछ वैल्यू रहेगी। तो हम आगे से कोशिश ये करेंगे कि जितने भी वीडियोस मैं बनाऊँगा, तो कोशिश ये भी रहेगी मेरी कि एक पूरा कोई एक टॉपिक पकड़ लेंगे हम, और उस टॉपिक पर एक सीरीज आएगी, 6 वीडियो, 8 वीडियो, 10 वीडियो, जितने भी वीडियोस की ज़रूरत होगी हम उतने वीडियोस की एक सीरीज लेकर के आएंगे। और उस सीरीज में कोशिश करेंगे वो पूरा टॉपिक शुरू से लेकर के आखिरी तक कवर करने का। हम उसकी पॉइंट वाइज डिटेल निकालेंगे, और उन डिटेल्स के साथ में मैं आपको वीडियो बताऊंगा या उन डिटेल्स के साथ में वीडियो शेयर करूंगा। इससे फ़ायदा यह होगा कि आप जो चीज़ें समझना चाहते हैं या जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉपिक है जो वो आपके लिए इंटरेस्टेड नहीं है या जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि उस टॉपिक को या उस पूरी सीरीज को छोड़ दें। पर मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जो भी सीरीज देखें उसको पूरी देखें, और उससे पूरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। अब आप में से कई लोग ये भी सवाल करेंगे कि भाई, मैं किस आधार पे आप लोगों को ये जानकारी दे सकता हूँ, या मेरे पास में क्वालिफिकेशंस क्या हैं, मैं किस बेस पे आपको ये कह सकता हूँ कि जो मैं बताने वाला हूँ वो सच्ची बात है या प्रैक्टिकल बात होंगी। तो दोस्तों, मैं ये बात इसके लिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये कहने की और करने की इजाज़त देता है। मेरी उम्र सिर्फ 33-34 साल के बीच में है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस करीब 25 सालों का है या शायद उससे ज़्यादा का। मैंने करीब 10 सालों तक IT कंपनी में एज ए नेटवर्क एडमिन काम किया है। उसके पहले मैंने और जो है 9 सालों तक एक मेडिकल शॉप पर, इनफैक्ट 3 मेडिकल शॉप पर काम किया है, जिनमें से 2 को मैंने ही स्टार्ट किया और उनको मैंने ही चलाया था। एक मेडिकल शॉप पर मैंने और भी काम किया,
उसके पहले मैंने दूसरे भी काम किए। जब मैं 8 साल का था, मैं तब से काम कर रहा हूँ। इस बीच में मैंने कई दूसरी चीज़ें सीखी, अपने आप को जो है एक डरपोक इंसान से थोड़ा सा ठीक किया, आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। मैं धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करते रहा हूँ, तो मुझे इस बात का यकीन है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको फ़ायदा देगी। और जब मैंने 10 साल तक आईटी कंपनी में काम किया था, तो कई सालों तक एज ए टीम लीडर भी काम किया। मेरी टीम में कई लोग काम किया करते थे। मैं 400 से 700 लोगों के बीच में उन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उन लोगों को रिस्पॉन्स देना मेरी जिम्मेदारी हुआ करती थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने काम किए हैं जिसके बेस पर मैं आपको बता सकता हूँ चीज़ें कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, लीडरशिप क्या है, या आपको टीम मैनेजमेंट कैसे करना है, या आपको जो है लोगों से कैसे डील करना है। और उसके बाद में जब मैंने 5 साढ़े 5 साल पहले आईटी कंपनी छोड़ी थी, तो उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। एक बिजनेस सक्सेसफुल स्टार्ट किया, कुछ प्रॉब्लम्स आई, वो मुझे बेचना पड़ा, लेकिन उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैंने एक और बिज़नेस किया, वो बिज़नेस फेल हुआ, लेकिन मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने एक और बिज़नेस शुरू किया जो कंटेंट राइटिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का है। वो मेरा बिज़नेस ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। पिछले 1 सालों से मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है और मैं आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ जो अपने एक्सपीरियंस से वो आपको सिखाने की, आपको बताने की कोशिश करूँगा। और इस बीच में मैंने एक काम और भी किया था। एज ए टीचर मैंने कई लोगों को पढ़ाया, मैंने इंग्लिश कई लोगों को पढ़ाई, कंप्यूटर कई लोगों को पढ़ाया, और जिन लोगों को भी मैंने कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़ाई हैं वो आज अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे हैं। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा वो आपको फ़ायदा देंगी, बशर्ते आप उससे फ़ायदा लेने के लिए तैयार रहें। तो मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि भाई, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे एक सीरीज़ के साथ में वीडियो बनाऊँ, इट कुड बी ए बिजनेस, इट कुड बी ए स्टडी, या ये हो सकता है कि आप पर्टिकुलर इंग्लिश के लिए दिक्कत है, या आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत है, आप किसी से बात नहीं कर पाते, आपका कॉन्फिडेंस की कमी है, या लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे बताइए और आप कमेंट्स बताइए। आप कमेंट्स में मुझे बोलिए कि एपी भाई, आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। आप मुझे सर मत कहिए, मुझे सर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अपना भाई मान के चलिए, आप मुझे अपना दोस्त मान के चलिए। आप मुझसे छोटे हैं, आप मुझे अपना भाई आई कहिए, अपना बड़ा भाई कहिए। आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझे दोस्त मानिए। आप मेरे बराबर वाले हैं, आप मुझे अपना दोस्त मानिए। बड़े हैं, छोटा भाई मान करके काम करिए, लेकिन सर मत बोलिए, क्योंकि मुझे सर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सर नहीं होना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, अब मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है मैंने इस चीज़ के लिए, कोई वीडियो के लिए कुछ भी मैंने प्लानिंग नहीं करी है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि हमारे पास में हमारा सिल्वर प्ले बटन आ गया है, जो कि ये रहा। और थैंक यू वेरी मच। ये अगर आप फ्रंट है तो दिखेगा नहीं, पर सक्सेस एंड हैप्पीनेस लिखा हुआ है। इसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और ये मेरी जो टेबल है इसको यहीं पर है, और ये यहाँ रहेगा, बिल्कुल जस्ट टेबल के सामने मेरे, कि हमेशा मुझे पता चलता रहे, मुझे हमेशा याद रहे कि आप सभी का प्यार मेरे साथ है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अभी इस वीडियो को मैं क्लोज करना चाहूँगा इतने पर ही। आप अपने क्वेश्चन मेरे साथ में शेयर करिए। आप जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक बताइए, वो सब्जेक्ट बताइए, और हम उस पर एक सीरीज का लंबा वीडियो बनाएंगे जिसमें काफ़ी चीज़ें रहेंगी, काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड करेंगे हम। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई डाउट है, या आप कुछ भी कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट का स्वागत करूँगा। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है आप मुझसे डिसएग्री करते हो सकता है आप जो कहते हैं या जो मैं कहता हूँ आपकी सोच उससे ना मिलती हो, तो यकीन जानिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। हो सकता है आप मुझसे असहमत हो सकता है आप मेरी सोच से असहमत हों, लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप एक सोच रखते हैं। तो आप अपनी सोच बताइए, आप अपनी ओपिनियन मुझे बताइए, और जो भी आपको अच्छा लगता है, मुझ में कुछ बुरा है तो मुझे बुरा बताइए, क्योंकि जब आप मुझे बुरा बताएंगे तभी मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा। मैं हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहता हूँ, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और जब आप मुझे बताएंगे तभी मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा। तो मैं अभी के लिए सिर्फ यही कहूँगा कि अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।